संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा, कथा व्यास श्रीमती साधना ओम प्रकाश जी वैष्णव नीलियावाले के मुखारविंद से अमृत वर्षा का रसपान कर मनुष्य जीवन को धन्य बनाए। देखिए पूरी कथा। हाय फ्रेंड, नमस्ते। मैं हूं गोपालदास बैरागी। आप देख रहे हैं गोपालदास बैरागी यूट्यूब चैनल। आपसे अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको प्रेस जरूर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें व नोटिफिकेशन प्राप्त करने हेतु आप बेल को प्रेस जरूर 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 करें। संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा विगत 24 दिसंबर 2018 से 30 दिसंबर 2018 तक मलारगढ़ विकासखंड के छोटे से गांव छोटी आत्री में श्री राधा कृष्ण मंदिर परिसर में दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का संचालन हुआ, जिसमें कथा व्यास श्रीमती साधना ओम प्रकाश जी वैष्णव नीलियावाले के मुखारविंद से संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का वाचन प्रति दिवस हुआ। सात दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने गांव छोटी आत्री सहित आसपास के भक्तजन का सैलाब भी वहां पे उमड़ा और सभी ने संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाया। देखिए आरती में उपस्थित समस्त भक्त व श्रद्धालुजन ग्राम छोटी आत्री विकासखंड मल्हारगढ़ जिला मंदसौर कार्यक्रम विगत 24 दिसंबर 2018 से 30 दिसंबर 2018 तक अनवरत जारी रहा। सभी वेदों का सार, क्योंकि वेदों में बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कही गई, बड़े बड़े वैराग्य की बातें कही गई जो हम लोगों की पहुंच से बहुत दूर है। भगवान के भक्तों की कथाएं, भगवान की लीलाएं जिस ग्रंथ के अंदर हो, उस ग्रंथ का रसपान यदि इन दोनों को कराया जाएगा ज्ञान वैराग्य का, तो ये अपनी मूर्छा तोड़ देंगे। मां श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ होता है, सभी ऋषि मुनि आते, नदियां भी माता शक्ति का रूप बनाकर वहां आती, सभी देवता आते, देवियां आती है और फिर उस कथा का वहां रसपान होता है। उस कथा के श्रवण से वहां स्वयं विष्णु भगवान प्रकट होते हैं और भक्ति महारानी से कहते हैं कि कहिए आप वर मांगिए, इस कथा से मैं बहुत खुश हुआ हूं। भक्ति महारानी कहती है कि आप मुझे दो वर दीजिए, एक तो मेरा स्थान भक्तों का हृदय स्थल होगा, यानी कि मैं कहां निवास करूंगी, भक्तों के हृदय में, और यदि कोई आपको प्रेम से पुकार ले मेरे माध्यम से तो आपको तुरंत वहां आना पड़ेगा, क्योंकि भगवान की एक आदत है, वो कब आते हैं जब हमारा काम बिगड़ जाता है। आपने देखा होगा सारी कथाओं में, कई कथाएं आपने सुनी, आगे भी अपन सुनेंगे, भगवान कब आता है जब हम बिल्कुल डूबने को तैयार हो जाते हैं, तब परमात्मा आता है। तो कलयुग के लिए भक्ति महारानी ने मांगा कि आप आएंगे कब, जब मेरे भक्त मेरे माध्यम से आपको पुकारेंगे, आपको तुरंत वहां उपस्थित होना पड़ेगा। भगवान खुश हो जाते और मुक्ति नाम की दासी भक्ति को देके चले जाते, अर्थात जो भक्ति करेगा उसकी मुक्ति निश्चित है। भक्ति के माध्यम से कलयुग में हमारी मुक्ति होती।